दिस इज द स्टोरी ऑफ द फेमस ब्रेव सोल्जर हरक्यूलिस, अ मैन हु चूज वेल. हरक्यूलिस इज अ मैन हु चूज हिज थिंग्स वेरी वेल. वो बहुत अच्छे से चूज करते थे अपनी सारी जो उनकी जो थॉट्स थी वो बहुत अच्छे से चूज करके काम करते थे. ही ऑलवेज डिसाइड थिंग्स वेरी वेल. अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो there lived a very strong and powerful man called Hercules. He was the son of Zeus, the Greek god of thunder. And what happened? He was the son of Zeus. Zeus is the Greek god of thunder. Thunder matlab jo bijli karakti hai na, uske devta the uske papa. So he was, Hercules had done many wonderful things using his great strength of body and his wisdom. He decided to travel to faraway lands. One day his journey brought him to a place where two roads met. So when he conquered many kingdoms, bahut sare kingdom usne jeet liye aur bahut sare kingdom jeetne ke baad usne kya decide kiya, I will travel throughout the world. Main puri duniya ghumunga. क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया था. ही अचीव्ड सो मेनी थिंग्स. नाउ ही डिसाइडेड टू जर्नी. सो व्हेन ही गो फॉर जर्नी ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट ही केम वन प्लेस, एक जगह पे वो आके रुके जहां पर दो रास्ते, टू रोड्स आर मीटिंग. दो रास्ते मिल रहे थे. देयर वाज टू रोड्स टू मीट. वन रोड पास्ड थ्रू अ ग्रीन मीडो फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. जब वो दो एक जगह पे आके वो रुके जहां पर दो रास्ते थे. अब उनको डिसाइड करना था कि वो कौन से रास्ते पे जाएंगे. द टू रोड्स मीट. तो उनको क्या डिसाइड करना था कि वो कौन से रोड पे जाएंगे. विच रोड ही विल फॉलो. वन रोड पास थ्रू अ ग्रीन मीडो फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स. द अदर रोड पास थ्रू बैरन लैंड कवर विथ रफ स्टोन. चिल्ड्रन यहीं पर लिखा हुआ है, यू हैव टू सी. One road passed through a green meadow full of beautiful flowers. The other road passed through barren land covered with rough stones. एक रोड जो था वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स वाला, गार्डन वाला, बहुत ही सुंदर रास्ता था. और दूसरा रोड जो था वो क्या था, वो खाली सा, बंजर सा था, स्टोन से भरा हुआ. The road was barren full of stones. तो अब हरकुलिस के पास ये था कि कौन सा रास्ता चूज करे. विच रोड ही विल चूज. हरकुलिस स्टूड एट द क्रॉस रोड एंड लुक्ड इनटू द डिस्टेंस. ही सॉ टू वुमन कमिंग टॉवर्ड हिम. वन ऑफ देम वाज एज्ड एंड प्लेन लुकिंग. द अदर वन वाज यंग एंड वेरी ब्यूटीफुल. द यंग वन सेड टू हरकुलिस, इफ यू कम विथ मी यू विल ऑलवेज वॉक ऑन फ्लावर. यू विल नेवर हैव टू वर्क. यू विल हैव फन एंड विल ऑलवेज बी आइडियल. Hercules looked at her and asked, "What is your name, my lady?" "My friends call me Happiness, but my enemies call me Vice," the beautiful one replied. So, जब Hercules ने वो beautiful flower वाला रास्ता देखा, तो उसने क्या देखा? वहाँ पर एक बहुत ही beautiful young lady खड़ी थी, और उसने बोला कि Hercules तुम इस रास्ते पे आ जाओ. इस रास्ते पे अगर आप चलोगे, तो आपको ज़िंदगी भर खुशी ही खुशी मिलेगी. आपको सिर्फ फ्लावर्स ही फ्लावर्स मिलेंगे. एंड यू विल नॉट गो टेक एनी रफ स्टोन्स. आपको कोई पत्थर नहीं मिलेंगे, पैर पे चुभेंगे नहीं पत्थर, क्योंकि सारा जो रास्ता है फ्लावर से बना हुआ है. इट वॉज ब्यूटिफुल ग्रास. एंड लोग मुझे हैप्पीनेस बोलते हैं, और मेरे जो एनिमीज है वो मुझे वाइस बोलते हैं, मतलब चालाक. सो this is the way. He was very puzzled. Hercules was puzzled. How will he choose? Because the beautiful flowery road is attract him much. Then the plain looking woman said, jo banjar wala rasta tha, barren land tha, wahan par kaun tha, ek boodhi si aurat khadi thi. Then the plain looking woman spoke to Hercules. She said, oh Hercules, I am virtue. I have looked after you since you were child. The path I show you will be difficult, but if you travel on this path, you will get fame and respect. You will always have peace of mind. Vice will leave you sight midway, but I will always with you.
वो जो प्लेन लुकिंग वुमन थी उसने कहा कि ओ हरकुलिस आई एम वर्च्यू, हरकुलिस मैं वर्च्यू हूँ, मैं क्या हूँ, वर्च्यू, वाइस नहीं, वाइस का मतलब होता है चालाक, वर्च्यू का मतलब होता है सच्चा सही, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है और मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगी। दे सेड दैट प्लेन लुकिंग वुमन, जो ओल्ड वुमन थी, उसने कहा कि ये जो मेरा वाला रास्ता है ना वो पत्थरों वाला स्टोनी है, इस रास्ते पे चलोगे तो तुम्हें तकलीफ तो होगी बट आखिर में जाके तुम्हें बहुत सारा फेम मिलेगा, रेस्पेक्ट मिलेगा। हरकुलिस थॉट ओवर द वर्ड्स ऑफ बोथ द वुमन, ही फाइनली डिसाइडेड टू गो विथ वर्च्यू। He earned name, fame, and glory by walking on the path of hard work, pain, and difficulty. Hercules ने सोचा, अगर हम होते तो शायद हम वो garden वाला रास्ता choose करते, right? Children, thumbs up. अगर हम होते तो हम क्या choose करते? Beautiful garden वाला रास्ता, कितना easy है उस रास्ते पे चलना। हम कभी भी पत्थरों वाला कठिन रास्ता choose नहीं करते। But Hercules ने सोचा, समझा और कठिनाई वाला रास्ता choose किया, जहाँ पर की तकलीफ थी बट नाम था, रिस्पेक्ट था, फेम था। सो चिल्ड्रन, देयर इज फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई मेड फॉर यू, लेट्स सी दिस होल स्टोरी, व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस होल स्टोरी। वर्च्यू स्टैंड फॉर ऑल द क्वालिटीज दैट मेक अस गुड रिस्पॉन्सिबल सेंसिटिव ह्यूमन बीइंग। वाइस इज द ऑपोजिट ऑफ वर्च्यू, इट मेक्स अस डू रॉन्ग थिंग्स, इट मेक्स अस हर्ट एंड हार्म अदर्स एज वेल एज आवरसेल्फ। To lead a life of virtue, we must be honest and hardworking. We should be ready to face all kind of difficulties. We should also be ready to face disappointment. On the other hand, it is quite easy to lead a life of vice. You need not work hard. You do everything by being dishonest, sly, and hurtful. It is a life of selfish, irresponsible pleasure. We should always try to follow the path of virtue, even though it means hardship and pain. People will respect and trust us if we are virtuous. Virtue prepare us to deal with life bravely and strongly. Vice make us lazy, weak and cowardly. It does not help us face troubles with courage and overcome them. So we should be virtuous, not vice. Now children, look at the different type of fruits given below. Sort them correctly in the virtue and vice basket by drawing arrows. So what we have to do? We have to choose. वर्चू में कौन कौन सी चीजें जाएगी और वाइस में कौन कौन सी चीजें जाएगी। मैं एक बच्चे का देखो, यहाँ पर क्या है, नंबर वन में लिखा है लाइज, झूठ बोलना, नंबर टू में लिखा है लेजीनेस, लेजी काम नहीं करना, थर्ड नंबर में लिखा है करेज, फोर्थ नंबर में लिखा है शेयरिंग, फिफ्थ नंबर में लिखा है जेलसी, सिक्स नंबर इज एंगर, सेवेंथ नंबर इज ट्रूथफुलनेस, एट नंबर इज काइंडनेस, 9th love, 10th frivolity, 11th hard work and 12th is fear. So we have to choose which is virtue. Virtue basket में हमें वो fruits रखने हैं जो अच्छाई से related है, virtue से related है, और vice basket में वो रखने हैं जो सच्चाई नहीं, झूठ से related है, wrong है. So मैं सबसे पहले एक बच्चे